गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन 6, पार्ट 7 एंड 8। पार्ट 7 हमने पहले ही करेंगे, पार्ट 7 2 की रेज पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखेंगे पहले हम, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 कितनी बार लिखना है, 4 बार, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या है फिर 3 स्क्वायर, 3 कितनी बार, 2 बार, 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 4 16, 3 थ्री ज़ा 9, 16 इंटू 9। अब हम यहाँ पे करेंगे 16 इंटू 9, 9 सिक्स ज़ा 54, कैरी आए 5, 9 वन ज़ा 9 और कैरी के 5 कितने हुए, 14, कितने बने, 14। क्या आया इसका आंसर, 144। अब हमारा 8th पार्ट है, हमारा 8th पार्ट क्या है, 3 रेज पावर 2 इंटू 10 रेज पावर 4। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 रेज पावर 2 कैसे हम लिखेंगे, पहले हम सॉल्यूशन, 3 रेज पावर 2 इंटू 10 रेज पावर 4 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 दो बार, 3 इंटू 3, 10 रेज पावर 4, 10 कितनी बार, 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 थ्री ज़ा 9, जैसे हम यहाँ पे रफ के हिसाब से लिखेंगे इसको, 3 थ्री ज़ा 9, 10 टेन ज़ा, चलो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 10, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 0 1। मल्टीप्लाई क्या करना हम इसको, आप 10 इंटू 10, वो भी 100, 100 ही निकलेगा वो भी। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 0 0, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, 0 0 0। अब किससे करना है, 1 से, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 0 0 0 1, कितनी बार है 0, 1, 2, 3, 4 टाइम्स। अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, 3 3 ज़ा 9। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 0 0, 4 बार हमें निकला, इंटू 9, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 90,000 निकला हमें। इसको मल्टीप्लाई करके हमें कितना निकला आंसर, 90,000। दैट इज ऑल टुडेज टॉपिक।